जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि इस बार विशेष सहयोग के साथ आई है। ऐसे में अपने घर में सुख समृद्धि के लिए जरूर कर लें यह एक काम, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर ही रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी अगर आपने पूर्णिमा के दिन यह एक काम कर लिया तो। दोस्तों, बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय, जप, तप, पूजा पाठ किए जाते हैं जिसका फल व्यक्ति को अनंत कोटि कोटि मिलता रहता है। इस पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में जो व्यक्ति विशेष पूजा पाठ दान पुण्य करता है उसको भगवान श्री हरि का साथ मिलता है और भगवान श्री हरि उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे वह जंगल में क्यों ना हो। दोस्तों, जिसके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा होती है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही बन जाती है। बिना किसी पूजा पाठ के माँ लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान होती है। यदि आपने पूर्णिमा के दिन ये विशेष उपाय कर लिया तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, माह पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आप भी इन उपायों को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे तो हर महीने में पूर्णिमा तिथि आती है, हर महीने की आखिरी तिथि पूर्णिमा तिथि होती है और साल भर में ऐसी 12 पूर्णिमा तिथि आती है जिनका शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से जीवन में धन हानि नहीं होती है। इसके लिए अगर आप रात्रि के समय देवी लक्ष्मी को 11 कमल गटे, अष्ट लक्ष्मी को अष्टगंध समर्पित करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही श्री सूक्त का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन जिसने भगवान श्री हरि का अभिषेक कर लिया उसे यमराज कभी छू भी नहीं सकता है। बैसाख महीने में शास्त्रों के अनुसार शहद, घड़ा, तिल, गाय, दही, नमक वाला मट्ठा जिसे की छाछ भी कहते हैं, जल यानी कि पानी, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना और गाय का दान करना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसके जीवन में हमेशा ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। उसके जितने भी जन्म होते हैं वह हमेशा ही पैसे वाला होकर जन्म लेता है, यानी कि पैसे वाले घरों में ही उसका जन्म होता है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि को लक्ष्मी प्रिय होती है उसी प्रकार भगवान श्री हरि को प्रिय हो जाते हैं वो मनुष्य जो इन सभी चीजों का दान करते हैं। साथ ही जो मनुष्य 3 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष और 12 वर्ष बैसाख स्नान करती है भगवान मधुसूदन प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन दे देते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमा बताई गई है इस बैसाखी पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, बैसाख माह की पूर्णिमा के उद्यापन में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन में 5, 7, 11 या 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए और वस्त्र दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जन्म धरती पर दोबारा नहीं होता है। अगर किसी कारण उसके पाप कर्म ज्यादा होते हैं और उसका जन्म होता है वो हमेशा ही धनवान परिवारों में पैदा होता है। दोस्तों, कुछ अच्छे कर्म अवश्य ही करके जाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको कुछ न कुछ अच्छे कर्म अवश्य करके जाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर मनुष्य का जन्म लेकर धरती पे आए हैं तो उसके लिए अच्छे कर्म अवश्य करके जाना चाहिए जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, बैसाख माह की पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि इस दिन क्या करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें और रात्रि को सोते समय भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें, या तो किसी संख्या के साथ जप करें या 3 बार भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करें जिससे कि आपको भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त हो सके। और कलयुग में तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम मात्र ले लेता है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, तो इसलिए प्रत्येक दिन रात्रि को सोते समय भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए।